दिवाली के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर राजपुर विधायक एवं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन बड़वानी जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नांगलवाड़ी से तिरंगा पग यात्रा प्रारंभ की, जिसका 15 अगस्त को राजपुर में समापन होगा। यात्रा नांगलवाड़ी से जिलवानिया बरू फाटक ठिकरी दवाना होते हुए अंजर पहुंची। तिरंगा पग यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी के साथ शामिल। तिरंगा यात्रा का रास्ते में जगह जगह फूल वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। अंजर नगर में तिरंगा पग यात्रा पहुंचने पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य रूप से स्वागत किया गया एवं अंजर नगर में ठिकरी रोड पर महाराणा प्रताप मूर्ति पर माल्यार्पण कर आगे बढ़े। रास्ते में मुस्लिम समाज द्वारा दो स्थानों पर स्वागत किया और मस्जिद चौक में पहुंचने पर मुस्लिम समाज के द्वारा मस्जिद के सामने भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के बड़वानी जिला उपाध्यक्ष शेखर पाटनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महादेव धनगर, मंडलम अध्यक्ष सुनील चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय चौहान, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष केपी सिंह ठाकुर, इलू ठाकुर, साधु रामा वर्मा, रितेश धनगर एवं मुस्लिम समाज की ओर से पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भैयू भाई, मुस्लिम समाज के सदर अफजल मंसूरी, तस्लीम पठान, कदीम मस्जिद के सदर नूरू भाई मोहसिन, तिगाले वशीम मंसूरी, मोहसिन मंसूरी, शमसुद्दीन छोटा जाकिर, काटन इद्रिश, हकीम साजिद मंसूरी, पत्रकार शकील मंसूरी, राजिक शेख, वार्ड क्रमांक 12 की सक्रिय कार्यकर्ता नुसरत बी एवं नगर के सभी गणमान्य नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल रहे। यात्रा पाटनी जिन्नीग उद्योग में पहुंचने पर उद्योगपति जुगल किशोर पाटनी, सौरभ पाटनी, अमित पाटनी, संजय पाटनी द्वारा पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का फूल वर्षा कर स्वागत किया एवं यात्रा में सभी अतिथियों को भोजन भी पाटनी परिवार की ओर से किया गया। भाजन के बाद यात्रा आगे बढ़ने पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भैयू भाई ने अपने निवास स्थान पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी का स्वागत किया एवं सभी को आइसक्रीम खिलाई। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा निकाली गई है और नांगलवाड़ी से आप आपके विधानसभा क्षेत्र से निकाल करके अंजड़ में आए, इस यात्रा को लेकर के, इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? तिरंगा पद यात्रा है बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे, इस वर्षगांठ पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में
हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे जिले में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम और सेक्टर के हमारे अध्यक्षों के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और जहाँ कहीं अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो विधायक है, जिला पंचायत के मेंबर है, तो उन सबके द्वारा ये तिरंगा पदयात्रा जो निकाली जा रही है और बड़वानी जिले का राजपुर विधानसभा का क्षेत्र का सबसे जो धार्मिक प्रसिद्ध स्थान नागलवाड़ी है, तो नागलवाड़ी से हमने तिरंगा यात्रा जो निकाली है आज पांचवा दिन है और पदयात्रा के रूप में पहला हमारा नागलवाड़ी से पहले दिन हम जुलवानिया रुके, दूसरे दिन बरू फाटक, तीसरे दिन जो है दवाना और चौथे दिन मंडवाड़ा और आज हम अंजड़ आए और अंजड़ से राजपुर पहुँचेंगे और कल जो झंडा वंदन होगा उस समय इस तिरंगा यात्रा का समापन होगा। ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे निकाली जा रही है जिससे कि हमारे आज़ादी के जो योद्धा थे उनका सम्मान हो सके, न्यू जनरेशन हमारी देश की वो भी जान सके कि आज़ादी की लड़ाई कैसी लड़ी गई, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा कैसी लड़ाई लड़ी गई और कभी भी उन्होंने जीवन की परवाह नहीं करते हुए बस शहीद होने की भी अगर नौबत आई तो शहीद भी हुए, तो ये पूरे देशवासियों को और सबको, न्यू जनरेशन को, उन सबको भी ये अवगत हो सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 75वीं जो वर्षगांठ है ये पूरे देश में मैं समझता हूँ कि बहुत ताकतवर तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व निकाली जा रही है।